मौजूदा वक्त में वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइडर के तौर पर यूट्यूब की भारत में लंबे वक्त से बादशाहत जारी है, लेकिन अब जियो भी इस सेगमेंट में उतरने की तैयारी में है। आपको बता दें, जियो की तरफ से शॉर्ट वीडियो ऐप के साथ ही OTT सर्विस प्लेटफॉर्म को पेश किया जा सकता है, जहां यूजर यूट्यूब की तरह ऑनलाइन वीडियो देख पाएंगे और साथ ही अपने वीडियो को इस पर पोस्ट भी कर पाएंगे। जियो के इस सिंगल वीडियो प्लेटफॉर्म पर यूजर को IPL मैच, मूवी, शॉर्ट वीडियो और वेब शोज का लुत्फ मिलेगा। जियो के नए शॉर्ट वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस के नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जियो की तरफ से इसकी तैयारी कर ली गई है। जियो ने रोलिंग स्टोन इंडिया और क्रिएटिव आइलैंड एशिया के साथ मिलकर एक ऐप तैयार किया है। हालांकि जियो का ऐप मौजूदा वक्त में सभी यूजर के लिए लाइव नहीं है, लेकिन ऐप की लॉन्चिंग से पहले जियो ने सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, कॉमेडियन, डांसर और दूसरे कंटेंट क्रिएटर को अपने साथ जोड़ लिया है। जियो शॉर्ट वीडियो ऐप पेड एल्गोरिदम को अहमियत नहीं देगी, इसमें ऑर्गेनिक रैंक तक की जाएगी। इस ऐप पर सिल्वर, ब्लू और रेड टिक वेरिफिकेशन होगा। इसमें फन बेस्ड कंटेंट होगा, इसका इस्तेमाल पेड प्रमोशन के तौर पर नहीं किया जा सकेगा। क्रिएटर की प्रोफाइल पर बुक नाउ का बटन होगा। क्रिएटर को प्रीमियम वेरिफिकेशन भी दिया जाएगा, जिसे इन ऐप बुकिंग के जरिए खुद को मोनेटाइज कर पाएंगे। जनवरी 2023 तक यह ऐप लॉन्च की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर, कॉमेडियन, फैशन डिजाइनर समेत काफ़ी क्रिएटर जो है वो हिस्सा ले सकते हैं।